press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार महविश नाज को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोगरा हाट का जो हाजी वो निकल, मोगरा हाट वाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, महविश नाज हियर। आज ही तो फिर से हमें ज्वाइन किया है लाइव में नाज़िया अली खान ने इंडिया से। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट महविश, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़िया मैम, आपने नीचे शायद हेडलाइन देखी ली होगी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें अगर मेजरली बात की जाए तो 16 मेजर एयरपोर्ट्स की इनॉग्रेशन अनाउंस हुई है, उसके अलावा 92,000 करोड़ का बजट पास हुआ है, 112 बड़े हाईवेज बनने के लिए जो बहुत सी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारी और फैसिलिटीज आने वाले वक्तों में अगली जनरेशन के लिए अभी से तैयार की जा रही है। क्या राय रखती है सबके बारे में? डेफिनेटली, देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी वोट के लालच में तो कोई कुछ काम नहीं किया है। देश से, देश के प्रेमी है वो, देश के पुत्र है वो, और मेरी नजर में मोदी जी अवतार हैं, और इस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है 10 सालों में, इतना कुछ किया है कि जनता ये चाहती है कि अगले 50 साल तक अगर हम ये भारत किसी की छत्र छाया में रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। आज आप देखो 370 हटने के बाद कश्मीर कितना खूबसूरत हो चुका है। इवन हमारी प्लानिंग चल रही है कि अब हम पीओके के लोग जो बहुत डिप्राइव्ड हैं, बहुत ह्यूमिलिएटेड हैं, बहुत हैरेस्ड हैं पाकिस्तान की वजह से, जिनको ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना सुख सुविधा मिल रही है, अब हम वहां तक सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। पीओके के लोगों को सबसे पहले जो है अनाज की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको पानी की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको बिजली नेटवर्क की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 1989 में जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया है, 1993 में जो उन्होंने जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया, और उन सब बातों में से एक बात जो है वो पूरे भारत की तरक्की, ये सबसे बड़ा विजन है, ये सबसे बड़ा फोकस है कि भारत की तरक्की का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की तरक्की। अभी हालिया में देखिए 2 दिन पहले भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया गया, और मोदी जी ने अपने हाथ से दिया है। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर दिया गया है अमन गुप्ता जी को, बेस्ट नैनो क्रिएटर दिया गया है पीयूष पुरोहित को, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर दिया गया है अरिदमन को, बेस्ट क्रिएटर इन जिमिंग कैटेगरी निश्चय को, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित जी को, बेस्ट क्रिएटर इन एडुकेशन कैटेगरी नमन देशमुख जी को, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह जी को, बेस्ट क्रिएटर क्रिएटिव कैरेक्टर मेल आरजे रौनक को, एंड आरजे रौनक माय गॉड बहुत अच्छा बोलता है, मुझे तो छोटा सा भाई जैसा लगता है वो, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल श्रद्धा जी को, हेरिटेज फैशन आइकॉन जानवी सिंह जी को, क्लीननेस एम्बेसडर मल्हार कमले को, बेस्ट क्रिएटर इन टेक्नोलॉजी कैटेगरी गौरव चौधरी को, फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर कमिया जानी को, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर ड्रियो हिक्स को, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिथाली ठाकुर को, बेस्ट क्रिएटर ऑफ सोशल चेंज जया किशोरी जी को, फेवरेट ग्रीन कंपनी चैंपियन पंकित पांडे जी को, डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर इलाहाबादी को, उसके बाद बेस्ट स्टोरी टेलर दिया गया है कृतिका को, बेस्ट इम्पैक्टफुल अग्री क्रिएटर दिया गया है लक्ष्या को, न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड दिया गया है अभी एंड न्यू को। अब इसमें कुछ ऐसे नाम है जैसे जया किशोरी जी, शी इज सच अ वेरी ब्यूटीफुल मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब मैं खुद सुनती हूँ जया किशोरी जी को, आई नो हिम, अभी एंड न्यू को, अभी एंड न्यू के प्रोग्राम्स भी मैं सारे देखती हूँ, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, और मैं देख के सोच रही थी कि यार ऐसा हमारी कंट्री में होना चाहिए, बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पूरा साल और इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन बनाई आपने अपने क्रिएटर्स की। मैं खुद सारी वीडियोस मैंने देखी है, लेकिन जितने डिटेल से नाम अभी आपने बताए मैंने भी नहीं पहले देखे थे
देखिए ऐसा है कि हम मुसलमान भारत में तो क्रिएटर हो ही नहीं रहे और कोई क्रिएटिविटी कर ही नहीं रहे हैं। भारत जहाँ पर एडुकेशन में 79% शिक्षित है, वहीं पर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। तो क्रिएटिव और क्रिएटिविटी ये मुसलमान के मजहब की किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा अब देखिये, हम हर रोज बचपन से लेकर के जवानी तक और हर रोज हमारे इस्लाम धर्म के जो इमाम हैं, मौलवी हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, ये क्या चिल्लाते रहते हैं, ये क्या बोलते रहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। तो फिर भैया काहे के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, काहे इंटीरियर डिजाइनर को बुला करके अपना घर बनाते हो, काहे के लिए जाते हो होम्योपैथिक वालों के पास, काहे के लिए टेक्नोलॉजी के सामान इस्तेमाल करते हो। मतलब हर एक स्टेप पर मुसलमान मदद अच्छे से ले लेता है, पर बाद में उनको कोस भी देता है कि नहीं, हम तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। दूसरी चीज है कि हमारा जब भी अच्छा होता है, हमारे एफर्ट से, हमारी मेहनत से जब भी अच्छा होता है, तो हमें ये सिखाया जाता है कि बोल दो अल्लाह ने किया, और जब हमारे साथ बुरा होता है तो बोल दो कि हमारे कर्मों का नतीजा है। अरे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो हिंदू धर्म में एक चीज है कि भगवान उनको सिर्फ नहीं देता है जो उनकी दिन रात पूजा करता है। ये भगवान ने साफ लफ्जों में कहा है और श्रीमद् भगवद गीता में भी मैंने पढ़ा है कि जैसी आपकी आपका कर्मा होगा, जैसी आपकी मेहनत होगी, उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिन रात भगवान के चरणों पे हैं तो ही आपके साथ भला होगा, और आप भगवान के चरणों पे नहीं है या आप भगवान को नहीं मान रहे तो आपके साथ भला नहीं होगा, ये चीज नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता में साफ लिखा हुआ है कि भगवान और ईश्वर से ना डरो, अपने कर्मों से डरो और कर्म को अच्छा करो। कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत होगी, ये श्रीमद् भगवद गीता बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेक और फैब्रिकेट स्टोरी जो हमारे इस्लाम मजहब में बताई जाती है ना, ये सबसे बेबुनियाद है। दूसरी चीज, हमारा इस्लाम कहता है कि हम ऑर्गन जो है वो हम डोनेट नहीं कर सकते, या अपने शरीर को हम डोनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए मुसलमानों की तो वो दूसरे से ले जरूर लेता है, आराम से ले लेता है है ना, कितने आराम से लेता है कि नहीं भाई हमारी किडनी खराब हो गई है, अब आप दे दो कोई तो डोनर मिल जाए, हम वो पैसा दे देंगे। तीसरी चीज मैं आपको विश बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ हमेशा मेरा बहुत एंटरटेनिंग सेशन रहता है, तो मैं उसको और एंटरटेनिंग करना भी चाहती हूँ। और मेरे साथ तो वो नहीं है कि भाई आपका मैं पासपोर्ट देखना चाहूंगी और ये सब करना चाहूंगी, मैं तो सिंपल सी साधारण सी औरत हूँ। तो देखिए हम मुसलमान चाहे पाकिस्तान के हों चाहे भारत के हों, हम लोग हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, और हिंदुओं को अपनी औकात में नहीं लाने के लिए हर वो हथकंडे अपनाते हैं मुसलमान जो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के तो बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। अब आती है बात कि हमारे भारत में एक शाही इमाम है इमाम बुखारी साहब, और उनके इकलौते बेटे हैं जिनका नाम है सैयद शाबान बुखारी, और वो इमाम भी बने हैं, वो भी अब शाही इमाम बने हैं। बुखारी साहब को हमारे भारत के मुसलमान नबी बोलते हैं, उनका हाथ पैर चूमते हैं, उनका हाथ लेकर के मतलब सजदा करते हैं, चुमा चुमी करते हैं, और वो कपड़े भी वैसे पहनते हैं, मतलब अपने आप को नबी जैसा प्रिटेंड करवाने के लिए ही वो वैसे कपड़े भी पहनते हैं। अब इनके जो बेटे हैं सैयद शाबान बुखारी, इन्होंने लव मैरिज किया है एक हिंदू लड़की से, ठीक है, इकलौता बेटा है शाही इमाम साहब का, और इन्होंने लव मैरिज किया है एक हिंदू लड़की से। इनका इनकी इनकी शक्ल देखिए, पहले मैं आपको इनकी शक्ल दिखाती हूँ, दिखाई दे रहा है? जी जी दे रही है। ये है शाही इमाम बुखारी के इकलौते बेटे जिन्होंने हिंदू से शादी की है। अब इनका असली रूप देखिए आप, ये मुसलमानों के भीड़ में जाते हैं जब फोटो खिंचाना होता है तो बड़ा साफा वाफा लगा करके जाते हैं, और इनकी असली जिंदगी और बीवी की देखिए, क्या मस्त जीन्स पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई, और ये शाही इमाम के बेटे हैं, मस्त कूल बॉय, हैंडसम बॉय बन करके घूम रहे हैं। और गाड़ी देखिए, तकरीबन करोड़ों की गाड़ी है ये, देखिए
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और मजहब के ठेकेदारों को भी जम के धोया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।